प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनमें से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में प्यारे विद्यार्थियों बी नंबर का सेट है। आप सबको इस प्रकार के 4 सेट पेपर में उपलब्ध करवाऊंगा, सेट ए बी सी और डी। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसमें से सेट बी है ये पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से इसको देख जाओ ताकि आपको पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपके पेपर में टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, जैसे कि आपको वार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका सेट बी, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, जिसमें कि लिखा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गबन, यहाँ से आप लोग लिख ले गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कोई की खुदाई इस औजार से की जाती है। तो देखिएगा 4th नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा बसोली से की जाती है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको नोट कर ले पूरा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा है, भारत में छपने वाला पहला अखबार था। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बंगाल गजट, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, झोला एक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, झोला कैसा शब्द है। तो देखिएगा 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, क्षेत्रीय शब्द है झोला। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। देखो इसमें आपको पहले में क्या बोल लेना, शराब, आदिवासियों में शराब पीने की लत बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन, काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया, यहाँ से आपको लिख लेना कबीर दास ने किया। तो यहाँ से आप लोग कबीर दास लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की पूर्ण हो चुकी थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना फाइल, जामुन के पेड़ के नीचे दबी आदमी की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। तो देखो 4th नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा करुण, कौन से रस के साथ में न्याय नहीं किया, करुण रस के साथ में उसने न्याय नहीं किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थ बताते हैं बल्कि शब्दों का होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शब्दों का खजाना होता है, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, शब्दों का खजाना होता है, ऐसे आप लोग लिख लें। काव्य में बिंब को माना जाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, शब्द चित्र माना जाता है, इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तुम काम नहीं करोगे में निपात शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो निपात शब्द है ना, नहीं है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, अब जोड़ी के मिलान को भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा मुतमइन का, मतलब होता है आश्वस्त होना, आ बेटे उन्हीं के। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको दिया गया 2 नंबर का, तो देखो दूसरे की जोड़ी का मिलान हो जाएगा ठीए पर। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान कर लोगे, इसकी जोड़ी का मिलान ठीए पर, खड़ेरों की ढाणी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको लिख देना है 120 कुइया UAI। तो देखो UAI की क्या जोड़ी का मिलान होगा, तो 4th नंबर की जोड़ी का मिलान आपका आ से हो जाएगा, दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। खंड काव्य की जोड़ी का मिलान क्या होगा, पंचवटी खंड काव्य है। शब्द युग्म, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शब्द युग्म जो होते हैं ना आपके, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ये होते हैं 6 प्रकार के। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछे गए, एक शब्द या फिर एक वाक्य उत्तर। तो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य उत्तर को भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसका नाम है परमाल रासो, यहाँ से लिख ले
परमाल और उसके बाद में लिखना रासो, उसका कृति का नाम है। तो ऐसे आप लोग इसको लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। तो पहले प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ और आपके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं जैसे कि एक वाक्य में उत्तर और सत्य सत्य, इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बता दूंगा। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग पूरा पेपर देख लो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, अब 21वें के बाद में देखिएगा 22वां क्वेश्चन ये लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये दिया गया है। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या? परमाल रासो है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने से कौन से प्रसन्न नहीं थे? तो देखो भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो देखो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो देखो स्वायत्त स्वव्रत के आधार पर चुनती है। देखिएगा अगला लिखा है, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो देखो दो भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोला छंद में यति होती कहाँ होती है? तो देखो 11 और 13 पर यति होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण, तो देखो उसको कहते हैं संवाद कहते हैं। उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लो। पहला क्वेश्चन, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, तो देखो ये आपका असत्य होगा। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल किससे संबंधित है? तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। डायरी नितांत व्यक्ति रचना, तो देखो यह भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, गजल का अंतिम स्वर मुक्ता कहलाता है? तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही तो भी आदि निपात शब्द है? तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और इनके उत्तरों को भी नोट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना के नाम बताइए। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लिखा है, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम आपको बताने, ये लिखे लेखकों के नाम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हिंदी के दो प्रमुख कहानीकारों के नाम और उनकी एक एक रचना आपको लिखनी है। देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आपको देख लेना है पूरा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग कहानी और उपन्यास में अंतर को भी लिख ले पूरा। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसको लिखकर आ सकें। पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लो। और अगला क्वेश्चन ये लिखा गया, अजंता की गुफाओं के बारे में लिखी है। तो देखिएगा अजंता की गुफाओं के बारे में यहाँ से आप सब लोग इनको याद कर ले अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, कोई का मुँह छोटा क्यों होता है? तो देखो इस वाले क्वेश्चन का भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद कर ले, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। अगला क्वेश्चन ये लिखा, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में अंतर आपको बताने हैं। तो देखो शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वव्रत की कोई दो विशेषता आपको बतानी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया, उदाहरण अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले पूरा और समझ ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा, शांत रस की परिभाषा उदाहरण से आपको बतानी है। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा आप लोग देख ले इसको और पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखी है। तो देखिएगा प्रसाद गुण की परिभाषा को यहाँ से देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो इन मुहावरों को आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। अब उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो इन वाले क्वेश्चन को भी देख लो आप सब लोग और पूरा समझ लो। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन ये लिखे हैं, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो कबीरदास जी का जीवन परिचय यहाँ से आपको देख लेना है। ये कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो रचनाएं यहाँ से आपको लिख लेनी, भावपक्ष ये लिखा, कलापक्ष ये लिखा है और साहित्य स्थान ये लिखा है। उसके बाद में देखो रचनाएं त्रिलोचन की यहाँ से लिख ले आप सब लोग और भावपक्ष यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो कलापक्ष ये लिखा है, साहित्य स्थान ये दिया गया है।
अब उसके बाद में देखो सत्यजीत राय का जीवन परिचय यहाँ से देख ले आप सब लोग। सत्यजीत राय में रचनाएं आपको इस प्रकार से लिख देनी है, भाषा यहाँ से आपको लिख लेनी है पूरी। अब भाषा के बाद में देखिएगा शैली, यहाँ से देख ले आप सब लोग, ये शैली लिखी गई है। और शैली के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख ले, शेखर जोशी का जीवन परिचय ये दिया गया है, रचनाएं ये लिखी शेखर जोशी की, भाषा ये लिखी गई है। और भाषा के बाद में देखिएगा शैली ये लिखी, हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें। और इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 को यहाँ से देख लीजिएगा पूरा, और 19 के अतवाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 लिखा है, हम तो कबीर दीवाना। तो देखो हम तो एक करीजाना में, इसमें आपको संदर्भ इस प्रकार से लिख देना है, प्रसंग ऐसे लिखना है। और इसके बाद में देखो व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है। उसके बाद में देखो भीतर की लहलाता है, तो देखो इसको यहाँ से देख ले आप सब लोग, संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा गया है। और उसके बाद में देखो व्याख्या इस प्रकार से की गई है और विशेषता ये लिखी है। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको करनी है। इसमें भी देखो धर्म की अधिकार है ये वाली आपकी व्याख्या है, जो कि नमक का दरोगा से ली गई है। तो देखो संदर्भ इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, और प्रसंग इस प्रकार से लिखना आपको पूरा, और व्याख्या ऐसे कर देनी है। उसके बाद में देखो आपको यहाँ से इसको देख लेना है, अक्सर में नाम से निकलो। देखो ये किसकी है, भारत माता पाठ से ली गई है ये, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आ सकती है। तो आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरा समझ लें। और आवेदन पत्र यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र भी आपकी परीक्षाओं के पेपर में आ सकता है, तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इस आवेदन पत्र को भी अच्छी प्रकार से याद कर लो पूरा। तो देखो इस प्रकार का पूरा ये आवेदन पत्र है आपका, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और ये इसके अथवा में जो आपसे लेटर पूछा गया है वो भी लिखा गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा और पूरा इसको भी याद कर लो। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और निबंध आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। वैसे आपको विज्ञान के चमत्कार और पर्यावरण प्रदूषण दो निबंध जरूर अच्छे से याद कर लेने चाहिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।